कुछ कांड हो गया। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड वी ऑल नो इट्स दैट टाइम ऑफ द सीजन जहां हम करते हैं कुछ सीरियसली शॉपिंग। जी हाँ, मैं बात करने वाली दिवाली की। दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। और दिवाली की अगर बात करें और शॉपिंग ना, ऐसा हो सकता है इट्स नॉट ओनली अबाउट शॉपिंग। हमें घर के डेकोर के लिए, स्वीट्स के लिए और फ्रेंड्स का आना जाना, बहुत सारी चीजों की शॉपिंग करनी होती है। तो हाँ, आज हम जाने वाले हैं दिवाली शॉपिंग करने। वैसे तो हम लोगों ने दिवाली पार्टी भी प्लान की है और दिवाली जस्ट 5-7 दिन रह गए दिवाली को आने में। कुछ खास दुबई में पता नहीं चलता, लेकिन अपने अंदर से जब तक हम फील ना लेकर आए तो फेस्टिव सीजन पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर। तो वो करने के लिए हम खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं कि चलो शॉपिंग करो, दिवाली का ये कर लो, पार्टी प्लान कर लो। तो पार्टी प्लान तो हो गई है, पर कन्फर्म जब होगी, जब वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी और सारे फ्रेंड्स आ जाएंगे और व्लॉग बन जाएगा, तो तब समझ लेना कि हाँ दिवाली की पार्टी हुई है। इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों का सच कोई प्लान नहीं है, बट ये कि चलो लेट्स गो फॉर शॉपिंग। तो हम चलते हैं दिवाली की शॉपिंग करने। क्या लाते हैं क्या नहीं लाते हैं वो तो आपको बाद में पता चलेगा। अभी चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ट्रेडिशनल दिवाली की शॉपिंग दुबई में किस तरीके करते हैं। लेट्स डू इट। तो इस बार की दिवाली होगी लुलू वाली, क्योंकि हम लुलू हाइपरमार्केट गए हैं शॉपिंग करने के लिए। पर मुझे लगता है इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू चेक के लेटेस्ट ऑफर कहाँ पर है, डिस्काउंट्स कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसे सीजन्स में ना, या मतलब कोई भी फेस्टिव सीजन होता है ना, तो डिस्काउंट्स वगैरह काफ़ी आते हैं। और मुझे एक चीज़ और लगती है कि आजकल लोगों को ना ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। सो लेट्स स्टार्ट द शॉपिंग। और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और मेरे को ये भी लगता है कि मैं जब भी कुछ नया सा ना, हाय मुझे लगता है ये भी बहुत सुंदर है, वो भी बहुत सुंदर है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, तो मुझे लगता है मेरे तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें जाकर ना, मतलब अगर एक चीज़ लेने जाना होगा तो 4-5 चीज़ें ले आता होगा वो बंदा। पुनीत जी भी उनमें से एक है। इन्हें कुछ नहीं भी लेना होता ना, तब भी इनको लगता है कि ये भी ले लो। सो बहुत ही सुंदर सुंदर सामान था लुलू वाली दिवाली, जहाँ पर इन लोगों ने फेस्टिव अरेंजमेंट्स की है सारी। और काफ़ी ठीक ठाक से प्राइस थे। प्राइजेस की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया उसमें अगर हम जाते हैं ना, इंडिया के किसी फेस्टिवल में, तो जो चीज़ आपको 20 रुपये की मिल रही होती है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 40 रुपये की मिलने लग जाती है। एक फूलमाला की बात कर लेते हैं, नवरात्रे अभी गए हैं, मेरी मम्मी बता रही थी जो फूलमाला हमें 5 या 10 रुपये में मिल जाती है, वो नवरात्रों में 20 या 25 रुपये की मिल रही थी। और मुझे लगता है यार यही तो उनका टाइम है कि वो प्रॉफिट कमा पाएँ या पैसा कमा पाएँ। अगर ऐसे टाइम में भी वो डिस्काउंट्स देंगे तो वो क्या कमाई कर पाएंगे। इंडिया में ना हमारे पास जगह जगह ऑप्शंस होते हैं। मतलब मैं अगर अपने घर के आसपास की बात बताऊं या दिल्ली की बात करते हैं, लाजपत नगर चले जाओ, सरोजनी नगर चले जाओ, सेंटर मार्केट चले जाओ, कमला नगर चले जाओ, नेहरू नगर चले जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पर दुबई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं दुबई में कुछ चीज़ खरीदने की अगर बात करती हूँ तो यहाँ बड़े स्पेसिफिक से लोकेशन है। फॉर एग्जांपल मीना बाज़ार की बात कर लेते हैं। मीना बाज़ार एक ऐसा हब है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो ज्वेलरी हो, स्वीट्स हो, कपड़े हो, डेकोरेटिव आइटम्स हो, सब कुछ। लेकिन ना आपको वहाँ तक जाना, पार्किंग करना और वो समझना वो लोकेशन को, इट्स अ टास्क, मुझे ऐसा लगता है। इट्स बीन 8 ईयर्स। और ये जो आप आइटम देख रहे हैं ना, दिवाली गिफ्ट, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे ऐसे गिफ्ट ऑप्शंस थे। हैप्पी बर्थडे जैसा हम देते हैं किसी को गिफ्ट ऑप्शन कार्ड दे देते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। दैट्स अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आजकल लोग दिवाली की स्वीट्स में बहुत चूजी हो गए हैं, या हम उन्हें कुछ भी गिफ्ट करते हैं तो पीपल आर सो चूजी नाउडेज। इससे बेटर है कि ये गिफ्ट कार्ड दे दे। हाँ, तो बैक टू बेसिक, मैं मीना बाजार की बात कर रही थी। मुझे लगता है कि वहाँ तक जाना इज़ अ टास्क, और आजकल अपनी बिजी लाइफ में ना कोई इतना टाइम निकाल के नहीं जा सकता। और मेरे को ये भी लगता है कि दिवाली की शॉपिंग इज़ नॉट लाइक वन डे वाली शॉपिंग, वो 4-5 दिन चलती रहती है। कभी ये भूल गए, कभी वो भूल गए। तो एक तो मीना बाज़ार हो गया यहाँ पर, और ये जो आप दिए देख रहे हैं ना, ये 4-5 दियों का सेट 8 दिरहम का था, और साथ में ये बहुत से पॉपअप्स थे, ये बहुत अच्छे लगे, हमें एक लेकर आए इसमें से। और उसके बाद बैक टू बेसिक अगेन, तो हम लुलू गए थे। लुलू में भी काफ़ी सारा सामान मिल जाता है, तो मिल गया था, थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा। फिर ड्रैगन मार्ट भी जा सकते हैं, हम एक बार ड्रैगन मार्ट भी गए थे दिवाली पर वहाँ पर कुछ खास सामान नहीं था, बस लाइटिंग्स वगैरह थी। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं लुलू वाली जो ये दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ था, वेदर इट इज़ दिया, वेदर इट इज़ सरसों का तेल, या फिर डेकोरेटिव आइटम, लाइटिंग आइटम, स्वीट्स, ये रंगोली के कलर्स, तो मतलब यहाँ पर सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक बंदे को चाहिए होती है अपने घर के सामान के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें ले ली है जो हमें एज ऑफ नाउ समझ आई, क्योंकि हम कोई लिस्ट बनाकर नहीं गए थे।
तो ड्रैगन मार्ट की बात करते हैं करामा की। करामा तो मतलब एक ऐसी जगह है ना, तो इट इज़ एज सेम एज लाइक मीना बाजार। तो करामा में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट वही आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे इंडिया की तरह यहाँ पर नहीं होता कि एक आपको मिठाई की दुकान मिल गई, तो एक आपको डेकोरेटिव आइटम की दुकान मिल गई, कि एक आपको ये दुकान मिल गई, कि एक कपड़ों की मिल गई। यहाँ पे ना सब कुछ, अगर कपड़ों की है तो कपड़ों की दुकान है, अगर स्वीट्स की है तो स्वीट्स की दुकान है, तो यहाँ पे बंदे ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वैसे तो मैं लुलू इस वाली जगह से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा, बट हमने जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली। और कुछ चीज़ें ऐसी होती जो स्पेसिफिक डे पे लेते हैं, जैसे धनतेरस वाले दिन ही हम लोग लक्ष्मी गणेश जी लेते हैं मिट्टी के, या उस दिन हम झाड़ू लेकर आते, तो वो सारी चीज़ें अभी हमने नहीं ली है। और उसके बाद यहाँ पे इंडियन सुपरमार्केट में अलादिल आता है, जिसके पास काफ़ी सामान होता है। अगर आपने मेरी पुरानी दिवाली की वीडियो देखी हो तो मैंने अलादिल से भी शॉपिंग करी है लास्ट ईयर। और अब बात करते हैं फैशन की, तो फैशन में यहाँ पे लुलू में ना सब कुछ मिल जाता है। सो मैं यहाँ पे देखने आई थी अपने लिए, चित्रांग के लिए या पुनीत जी के लिए कपड़े, क्योंकि ये भी एक टास्क है कि इंडियन क्लोथिंग हर जगह नहीं मिलती है। हाँ, मॉल्स में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर ना उतना मज़ा नहीं आता यार। बीइंग एन इंडियन आई एम मस्ट से मुझे अभी तक कोई भी ऐसा मज़ेदार कपड़ा नहीं मिला कि आई से कि यार ये तो बहुत ही सुंदर है। मतलब बहुत छाटना पड़ता है अगर आपको यहाँ पे इंडियन क्लोथ्स लेने जाना होना, तो 4-5 घंटे होने चाहिए आपके पास। मैंने ऐसे ही ना बहुत सारे कपड़े चूज़ करे, और अभी दिखाती हूँ कि मैंने क्या चूज़ करा, क्या ट्राई करा। Looking like a wow. एक ले लो ना, buy this one. Buy it. मजा नहीं आ रहा तो ना, ये ले लो, लगा के देखो अपने आगे। और उसके बाद जब मैं ये ट्राई करने गई, तो ये कलर तो मुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, पर ये येलो वाला और ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं ना, आई लाइक दिस कलर, बट थोड़ा सा ना ओल्ड फैशन लगा। साथ में मैंने फ्रॉक भी ट्राई की और ये सूट भी ट्राई किया, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि यार ये लेटेस्ट ट्रेंड नहीं है, तो मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया। लेट्स सी अब मैं क्या पहनने वाली हूँ।
और उसी के साथ ना अंदर भी एक स्पेसिफिक काउंटर बना हुआ था जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर से भगवान जी थे, मंदिर था, डेकोरेटिव आइटम थे। कुछ लोग जैसे दिवाली में ना वो पानी लगाकर बॉक्सेस में, ये वाले ऐसे बाउल्स के अंदर गुलाब की पत्तियाँ डालते हैं, साथ में ऐसे दिए लगाते हैं। दो, मेरे को लगता है कि यहाँ पर इतने लोग आते नहीं है जैसे इंडिया में होता है ना कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी पड़ोस वाले आ रहे हैं, बट दुबई में ना ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि यहाँ पर हम ही अकेले होते हैं और जो भी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो वो एक वीक की पहले ही पार्टी कर लेते हैं या दो तीन दिन पहले पार्टी कर लेते हैं, फिर कोई आता नहीं है। जैसे मतलब अब हम प्लान कर रहे हैं दिवाली से पहले की पार्टी। एनीवेज, बैक टू बेसिक, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे भगवान जी थे और जैसे कि गणेश जी आप देख रहे हैं क्यूट से, 180 दिरहम के हैं बट डिस्काउंट के बाद 149 के हैं, मतलब 150 दिरहम के भी नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये मिनिएचर राजस्थानी ड्रॉअर रखा हुआ था जो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जैसे कि आप मिनिएचर एलिफेंट स्टैचू देख रहे हैं जिसका प्राइस कुछ महंगा नहीं है, 18 दिरहम का ही है। और देख रहे हैं हमारे पुनीत जी आए हैं जो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं इस समय, और हमने फाइनली वाला कुर्ता ले लिया, बट इससे पहले ना पुनीत जी को लग रहा था कि ये अच्छा नहीं लग रहा है इनके ऊपर। सो ऐसी कुछ हमारी दिवाली की शॉपिंग हुई लुलू से। लुलू के अंदर हमें अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स लग गए होंगे और मोर देन दैट। ये चित्रांग हमारे जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, तो यही था कि अब खाना खाने का ऑप्शन यहाँ पे घर जाके देखना है। यही सारा डिस्कशन करते करते हम पार्किंग तक पहुँचे हैं। ओके गाइस, हो गई शॉपिंग। क्या शॉपिंग या आउटिंग? शॉपिंग कहीं नहीं हुई अभी, 1% शॉपिंग हुई है। दिवाली की शॉपिंग इतनी जल्दी कहाँ होती है भाई? 1% शॉपिंग? या माय गॉडनेस, 2 कुर्ते खरीदे आपने, दिवाली का सामान, रंगोली सब कुछ खरीदा आपने, 1% दिए नहीं लिए, तेल नहीं लिया, बहुत कुछ नहीं लिया, बताशे नहीं लिया, मिठाई भी नहीं ली। कोई बात नहीं, अभी दिवाली आने में 1 हफ्ता है यार। तो 1 हफ्ते इंडिया में अभी लेगा पैसे है? क्यों, हमने टिकट वो नहीं कराई ना? गाइस कुछ कांड हो गया लुलु में। कुछ कांड नहीं हुआ है। 20 दिरहम, वेरी गुड, 20 दिरहम गाइस। मेरा कार्ड, मुझे ई टिकट लेता है, ई टिकट तो हमें स्टैंप करा के आना चाहिए। अल्लाह दिल भी अच्छा स्टोर है, यहाँ से भी अच्छी हम शॉपिंग करते हैं कई बार, इंडियन स्टोर है मतलब, और हमारे घर के पास भी है तो वी विल प्लान है विजिट कि यहाँ जाके भी कुछ दिवाली सामान ले आए। और दिवाली के दिन तो भीड़ होती होती है इंडिया में, तो होती है यहाँ पे भी, अब ऐसे ही कुछ हाल होने लगा है कि ट्रैफिक त्यौहार हो ना हो जरूर मिलेगा। और घर कब से, घर से निकले हुए जितना 9 बजे से, सुबह के 9 बजे से निकले हुए, नहीं 11 बजे निकले थे यार, 9 बजे सो के उठे थे हम। अच्छा हाँ, 9 बज चुके हैं लेकिन रात के, वे ट्रैफिक इज सो, इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 आवर्स, ट्रैफिक भी सही 40 मिनट्स, तो दूसरा रूट लगाया हुआ है। ओके, तो गाइस अगर आप दिवाली शॉपिंग करने जा रहे हो ना तो बाहर से खाना जरूरी है। वैसे हम सुबह से निकले हुए तो हमने सुबह भी खाना बाहर से खाया और हम रात को खाना बाहर से खाने वाले हैं। कहाँ से? दिन में भी सुबह हमने घर से खाया था, चीले खाते हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं वाया दिल्ली। अगर आपने हमारी वाया दिल्ली वाली रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख ले, यहाँ का खाना एक्चुअली बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम बोला यहीं से आज खाना खाते हुए भी घर चलते हैं। बहुत सारा हमने खर्चा करा दिया बट दिवाली इज ऑल अबाउट खर्चा, तो चलो लेट्स गो। हाँ, हम दिवाली के दिया लेकर आए हैं, वो हम जला जला के देख रहे हैं। शॉपिंग सिर्फ स्टार्ट हुई है, 1% शॉपिंग भी नहीं हुई है। आज आए मस्त से, हम कुछ खास ही लेकर आए हैं, बैठा कुछ लेकर आए हैं, और हम लोगों ने फ्रेंड्स को काफ़ी चीज़ें ना इस वीडियो में आपको दिखी नहीं होगी बिकॉज आई एम फुल्ली टायर्ड ना, हम लोगों ने रिकॉर्ड करा जहाँ से हमने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स वगैरह लिए वो भी कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, ट्रैफिक भी बहुत था और आई गेस हमें बहुत ही घंटे ऑन रोड ही चलते रहे, मतलब बहुत ही घंटे। हाँ कितने घंटे? एटलीस्ट 5 आवर्स। 5 आवर्स हम रोड पर ही थे, मतलब ट्रैफिक भी था, इट्स नॉट कि एक ही जगह रोड पर थे, इट्स लाइक कि हम जहाँ गए थे फिर वहां से दूसरी जगह जाना, तीसरी जगह जाना, तो इट्स लाइक सो टायरिंग। और बस इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, दिवाली की शॉपिंग होती रहेगी, बस अब पार्टी की वीडियो के लिए वेट करना और मेन दिवाली। आई होप मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, कभी कभी ना ऐसे समझ नहीं आता कि सबको मिक्स करके कैसे करना है, बट आई ऑलवेज ट्राई टू मेक अ वीलॉग ऑन इट और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस अभी के लिए इतना ही, मैं खुद बहुत थक गया और मुझे पता है आप भी मेरी वीडियो देख के थक गए होंगे। अभी के लिए इतना ही, ध्यान रखो अपना, रब राखा एंड गुड नाइट, गुड नाइट।